नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे शुक्र मातृकावटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इस सत्र का आरंभ जो है भगवान धन्वंतरी की वंदना से करते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से शुक्र मातृकावटी जो है इसके क्लिनिकल यूजेस क्या है, किस प्रकार से हम लोग इसका उपयोग विविध सारे विकारों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान धन्वंतरी को वंदन कर इस सत्र का आरंभ हम करते हैं। आप सभी सभी का स्वागत है इस सत्र में। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का इस सत्र में। तो सबसे पहले जैसे हम लोग स्त्री रोगों में उपयुक्त तो आने वाले कुछ कल्पों को लेकर हम लोग रोज चर्चा करते हैं, तो इसी श्रृंखला में आज आपके सामने प्रस्तुत है शुक्र मातृका वटी। तो इसके नाम से ही आपको अंदाजा आया होगा कि ये किस धातु के ऊपर काम करने वाली वटी है। शुक्र मातृका वटी का जो रेफरेंस आया है वो है प्रमेह रोगाधिकार में, भेषज रत्नावलीकार ने प्रमेह रोगाधिकार में इसका वर्णन किया है। तो जैसे हमें पता है, देखिए प्रमेह रोग आयुर्वेद में बहुत ही विस्तारित रूप से इसका वर्णन किया है। इसमें तीनों दोष और फिर जैसे मांस है, मेद धातु है, शुक्र धातु है, क्लेद अधिक बनता है प्रमेह, और फिर मूत्रपुच्छता, अधिक पिपासा, फिर थकान आना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। तो प्रमेह रोग में जो मेद धातु की दृष्टि होती है, मेद धातुवाग्नि मानद्य होता है और इससे क्लेद अधिक बनता है। तो इसीलिए इस क्लेद को कम करने के लिए या प्रमेह रोगाधिकार में भेषज रत्नावलीकार ने इसका उल्लेख किया है। इस यानी इसका मुख्य उपयोग तो हमें प्रमेह में करना है। बट जैसे कि हम लोग देखेंगे कि कई सारे जो हमारे व्याधि होते हैं उन सभी व्याधियों का परिणाम हमारे शरीर के हर एक स्रोत पर होता है, हर एक हमारी जो फिजियोलॉजी है इसके ऊपर होता है। वैसे ही जैसे यहाँ पर मेद धातु या मेद धातुवाग्नि मानद्य है और क्लेद अधिक मात्रा में करता है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा आधुनिक दृष्टिकोण से देखेंगे, डायबिटीज को जब हम समझते हैं, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, इन सभी व्याधियों में हमारे शरीर के अलग अलग जो सिस्टम्स है या लीवर है या फिर ग्लैंड्स है अलग अलग, उन सभी के ऊपर इसका परिणाम दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये शुक्र मातृका वटी जो यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसका रेफरेंस है भेषज रत्नावली। तो भेषज रत्नावली कार ने किस प्रकार से इसके निर्माण की विधि को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर बाद में इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बताऊंगी किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। बोक्षुर बीजम त्रिफलम पत्रमेलम रसांजनम धान्यकम चविका जिरम तालिशम टंकमा दाढ़ीमौ प्रत्येकाम द्वपलम प्रत्येक द्वपलम दत्वा गुगुलोकर्षमेव च रसाप्रगंध लोहानाम प्रत्येकम चपलम क्षिपेतम सर्वमेकीकृतम सभी को एक करना है। वैद्यो दंडम योगेन पदम येते मृतमांडे तु संस्थाप्यम माशमेकं तु भक्षयेतम अनुपानम प्रदातव्यम जाति भेदान पृथक पृथक दाढ़िमस्य रसेन एवं छागी दुग्धेन वा भसा प्रमेहान विंशति हंति वात पित्त कफोद्भवान द्वंदजा सन्निपातोत्थान मूत्रपुच्छाश्मरी गदान बलवर्णाग्नि जननी ज्वर दोषाग्नि सूक्ष्मी चंद्रनाथेन गदितां वटिकां शुक्र मातृका। तो चंद्रनाथ आचार्य ने इसका वर्णन किया है। जैसे देखिए अभी इसमें कंटेंट जो बताए, तो सबसे पहले गोक्षुर बताया है। गोक्षुर ये बहुत ही अच्छी
ड्रग है या बहुत ही अच्छी दवा है, द्रव्य है, जो कि हमारे मूत्र व संस्थान पे बहुत अच्छे से काम करती है। हमारे मूत्र व संस्थान के जो भी सारे ऑर्गन्स है, किडनीज है या यूरेटर्स है, इन सभी को बल देने का काम, टोन देने का काम ये गोक्षुर करती है। इसी के साथ साथ क्लेद को शरीर से बाहर निकालना, गोक्षुर यह मूत्रल है। मूत्रल होने से जो भी शरीर में हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो भी सारा त्याज्य भाग है, जो भी सारा मलिन पार्ट है, जिसको आयुर्वेदिक परिभाषा में क्लेद कहा जाता है, इस क्लेद का वहन करने का या क्लेद का स्त्राव बढ़ाकर मूत्र के मूत्र मूत्र से क्लेद वाह, मूत्र से ही तो क्लेद का वहन होता है। तो इस प्रकार से क्लेद अधिक निर्माण करने में गोक्षुर इम्पोर्टेंट है। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला तो मुझे लगता है कि हमारी आंखों से लेकर सभी सभी प्रकार के इंद्रियों पर काम करने वाली त्रिदोष शामक ऐसी आयुर्वेद की श्रेष्ठ एक रसायन औषधि है। तेज पत्ता जो कि उष्ण तीक्ष्ण गुण का है, मसाले के पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है और ये उष्ण तीक्ष्ण होने से ही ये क्लेद का शोषण करेगा, क्लेद का शमन करेगा। छोटी इलायची चूर्ण, इलायची प्रजास्थापन गण में वर्णित द्रव्य है, बट इलायची का भी प्रयोग इस कल्प में किया है, रसांजन है। धनिया, धनिया जिसको जो जिसका जो गुण है वो है शीत कषाय रस का, काफी सारे जैसे कभी कभी बर्निंग मिक्चुरेशन भी होता है तो धनिया हम लोग रात भर पानी में भिगो देते हैं, सवेरे थोड़ा सा जो धनिया का हाथ से उसको हम लोग अच्छे से जो भिगा हुआ है ना पानी, हाथ से अच्छे से उसको चूर लेते हैं और फिर उसको अलग करके जो पानी है धनिया का इसको अच्छे से छान कर पीने से भी काफी अच्छे से जो बर्निंग सेंसेशन है, सदाह मूत्र प्रवृत्ति, खासकर ग्रीष्म ऋतु में जब धूप चलती है तो कई सारे लोगों में ये शिकायत होती है, खासकर जो पित्त प्रकृति के लोग हैं इनमें इसका बहुत अच्छे से प्रयोग होता है। धनिया चूर्ण, चौवे चूर्ण, फिर जीरा लेना है। जैसे जीरा के बारे में हमने पिछले ही सत्र में जीरक आद्यम गुड़म के देखा था कि जीरा कैसे दीपन पाचन का कार्य करता है। तालिश पत्र ये भी एक प्रकार से कफ का शोषण करने का कार्य करता है। यहाँ पे मुख्य रूप से प्रमेह आदि वैद्यों में तीनों दोषात्मक इसको बताया है, फिर भी कफ दोष की खासकर इसमें दुष्टि होती है तो ये कफ को दुष्ट करने वाला है, इस दृष्टि को कम करेगा तालिश पत्र। शुद्ध टंकर, अनारदाना, दाढ़ी जो कि कषाय शीत गुण का है, रक्त को बढ़ाने के लिए दाढ़ी बहुत अच्छा बताया। इसी के साथ ग्राही भी होता है, काफी सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में, ग्रहिणी में एक अच्छा फल है जो कि मल को बांधने का भी कार्य करता है, इसीलिए दाढ़ी भी यहाँ पर लिया है। और फिर अनारदाना चूर्ण, ये सभी हमें लेना है 23 ग्राम मात्रा में। इन सभी जो गोक्षुर से लेके अनारदाना तक के जो भी सारे द्रव्य है इसको 23 ग्राम की मात्रा में हमें लेना है। फिर शुद्ध गुग्गुल 12 ग्राम में, फिर पारद है, फिर शुद्ध गंधक है, अभ्रक है, लोह भस्म, ये सभी हमें 46 ग्राम मात्रा में लेना है। अभी जैसे यहाँ पे देखिए कुछ धातुओं का, जैसे पारा गंधक आदि धातुओं का प्रयोग किया है जिसके हम लोग कज्जली बनाते हैं, तो पारा और गंधक की जो कज्जली बनती है ना, ये काफी, कज्जली को क्यों बनाना है, कज्जली के आयुर्वेद में बहुत सारे उपयुक्त ये है। जब भी हम लोग किसी कल्प में कज्जली का प्रयोग करते हैं तो ये कज्जली हमारे सूक्ष्म स्रोतों के अंदर जाकर सूक्ष्म स्रोतों का होती है, बल्य होती है, इसीलिए काफी सारे आयुर्वेदिक कल्पों में कज्जली का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, खरल में पारा और गंधक की अच्छी कजली बनानी, अच्छे से इसको घोट कर रगड़ रगड़ कर इसकी कजली बनाना है। फिर इन सभी अन्य भस्मों को, बाकी जो भी दो भस्म लिए ना हमने, जैसे कि हमने लोह लिया है और अभ्रक भस्म लिया है, इन दोनों भस्मों को अच्छे से और फिर काष्ठ औषधि जो भी हमने गोक्षुर तेज पत्ता वगैरह लिया है ना, इन सभी को हम लोग चूर्ण इस कजली में हमें थोड़ा मिला देना है, सभी एक साथ मिला देंगे हम लोग। फिर शुद्ध गुगुल को भी थोड़ा गर्म कर अच्छे से थोड़ा इसको पानी में पिघला दीजिए और ये पिघलने के बाद ही इस सभी जो भी हमने मिश्रण बनाया ना चूर्णों का, इसमें इसको डाल दीजिए। इसके पश्चात देखिए एक एक स्टेप बाय स्टेप ही बताया, इसी स्टेप से हम करेंगे तो जो पट्टी बनेगी, जो कभी भी कोई भी स्टेप जो होते हैं इसके पीछे भी कुछ कारण होता है, क्योंकि जैसे पारद और गंधक अच्छे से एक दूसरे के साथ उसका अच्छे से मर्दन हो सके इसीलिए फिर उसकी कजली बनाई जाती है। फिर दूसरे दो भस्मों को डाला है हमने, फिर काष्ठ औषधि को डाला है और फिर सबसे बाद में गुगुल को पतला कर हमने इसमें डाला है। और इसके बाद अनार के स्वरस या काढ़े से इसको भावना देना है 1-1 ग्राम की मात्रा में, और फिर बस 1-1 ग्राम की मात्रा में इसकी वटी बनाना है। भावना देने के पश्चात और अच्छी तरह से ये वटी जब सूख जाती है तो इसको कांच पात्र यानी शीशी के पात्र में रखकर इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। तो ये हमारी तैयार हो गई शुक्र मात्र का बटी।
तो ये भेषज रत्नावली कार ने प्रमेह रोगाधिकार में खास कर इसको बताया है। ये जो वटी है आचार्य चंद्रनाथ ने भी इसके जैसे सूत्र में आया था, देखिए अभी इसके जो ये बताए ना रोगाधिकार, इसमें देखिए सबसे पहले वात पित्त कफ यानी वात पित्त कफो के जो भी विकार है, खासकर प्रमेह के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बल वर्ण अग्नि, बल वर्ण को बढ़ाती है, अग्नि को भी बढ़ाती है, ज्वर दोषों को कम करने वाली है। और चंद्रनाते न गदिता वटिका शुक्र मत होता प्रमेहान मिंशति, सभी 20 प्रकार के जो भी प्रमेह है इसमें इसका उपयोग करने को आचार्य बताते हैं। प्रमेहान विशंति हंति वात कफोद्भव द्वंद्वजान सन्निपात उत्थान मूत्रकृच्छ अश्मरी। तो सबसे पहले प्रमेह, फिर मूत्रकृच्छ, फिर अश्मरी। तो हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर किस प्रकार से स्त्री रोगों में इसको हम लोग कैसे मोल्ड करें, किस प्रकार से इसका उपयोग करें, इसको भी मैं बताना चाहूंगी। तो बिल्कुल जैसे हमने अभी प्रमेह की बात चल रही थी, प्रमेह के दोष दुष्य समोचना के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। तो जैसे ये बताया जाता है कि स्त्रियों में प्रदर और पुरुषों में प्रमेह, ये दो ऐसे विकार है जो दोनों के लिए बहुत ही कष्टदायक होते हैं। जैसे स्त्रियों में प्रमेह नहीं होता है, आचार्य ने बताया है, क्योंकि स्त्रियों में जो मासिक रजस्राव होता है इसी से सभी जो भी क्लेय धैर्य जो भी तुष्ट दोष होते हैं वो निकल जाने में मदद मिलती है। तो इसलिए स्त्रियों को प्रमेह बहुत कम होता है। तो प्रदर होता है स्त्रियों में, क्योंकि स्त्रियों में गर्भाशय एक अलग मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या आर्तव स्रोत से अलग से स्रोत बताया, तो स्त्रियों में आर्तव विकार ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और पुरुषों में जो होता है वो अधिक मात्रा में ये रोग होता है, प्रमेह रोग होता है। तो दोनों ये जो भी रोग है ये दोनों के लिए घातक बताए गए। तो सभी प्रकार के प्रमेह में हम इसका उपयोग अनार स्वरस या बकरी के दूध या ताजा जल के साथ इसका प्रयोग बताया है सभी प्रकार के प्रमेह में। फिर मूत्रकुच्छ में, मूत्राघात में, मूत्राश्मरी में भी इसका सेवन करने से बल वर्ण और अग्नि की वृद्धि होती है। तो इसकी मात्रा जो एक एक पट्टी देना है, अनुपान में अनार रस बताया है और बकरी का दूध या पानी बताया। इसका गंध सुगंधी होता है, इसका जो कलर बनता है जब कल्प बन जाता है तो श्याव वर्ण का बनता है और बिल्कुल इसका जो स्वाद होगा वो कटु होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने प्रमेह को बताया, प्रमेह में जो भी धात्वाग्नि मांद है, धातु की शिथिलता है, क्लेद अधिक बनता है, तो इन सभी लक्षणों के ऊपर हम जब चंद्रप्रभावटी है, चंद्रकला रस है या फिर लघुमालिनी वसंत आदि सभी कल्पों का प्रयोग करते हैं, इसके साथ साथ हम अगर ये शुक्र मातृका वटी का भी प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही अच्छे से उपयोग बताया है आचार्य ने। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हम लोग इसका उपयोग करें, एक एक वटी हम लोग इसको दे सकते हैं। जैसे अभी इसके जो भी घटक द्रव्य है इसको लेकर भी जैसे मैंने अभी बताया कि कंजली जो है वो सूक्ष्म स्त्रोत्रोगामी होती है। सूक्ष्म स्त्रोत्रोगामी होने से वो अच्छे से काम करेगी। इसी के साथ यहाँ पर जो गोक्षूर बताया है, जो अभी मैंने बताया कि ये सूजन कम करेगा, क्लेद का वहन करने में मदद करेगा, इसी के साथ मूत्रवस्त्र पर काम करेगा। इसलिए गोक्षूर चूर्ण हम लोग प्रमेह में भी दे सकते हैं या फिर मूत्रकुच्छादि विकारों में भी देते हैं। दूसरा है जो गुगुल यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि जैसे गुगुल हमें पता है बहुत ही श्रेष्ठ वातशामक द्रव्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, जैसे ये गुगुल जो है ना रुक्ष है, ये लेखन करता है, इसीलिए अतिरिक्त जो भी, क्योंकि शुगर बढ़ने का मुख्य कारण जो है अनेक प्रकार बहुत बार ऐसे होता है कि वजन बढ़ना है, स्थूलता है, तो ये स्थूलता यानी मेद धातु बढ़ा है, मांस धातु बढ़ा है, तो इसको निकालने का काम, इसको शोधन करने का, इसको अपनी जगह से स्रोतसों से या अपनी जगह से एक प्रकार से क्या कहेंगे हम लोग पूरा खरट कर निकालने का काम ये गूगल करता है, क्योंकि गूगल लेखन का कार्य करता है, क्षरण का कार्य करता है। तो ये यहाँ पर मेदो व स्रोत के ऊपर काम करेगा, इसलिए यहाँ पर गूगल का प्रयोग किया है। दूसरा इसमें खासकर जो बताया है अभ्रक भस्म का प्रयोग किया है, ये अभ्रक भस्म भी हमारे ब्लड शुगर लेवल पर बहुत अच्छे से काम करता है, इसीलिए यहाँ पर इस कल्प में अभ्रक भस्म को लिया है। और जैसे हमने इसकी विधि को बताया तो प्रमेह हम इसका उपयोग करेंगे, बिल्कुल सभी प्रकार के प्रमेह में हम इसको अच्छे से दे सकते हैं। दूसरा है जो मूत्रकृच्छ है, मूत्र संक्रमण, कोई भी यूरिनरी सिस्टम की, यूरिनरी ट्रैक की कोई भी इन्फेक्शन है, तो इस संक्रमण में भी हम लोग, क्योंकि ये खासकर जो शुक्र मातृका बटी जो है ना, ये वात नाड़ियों के ऊपर, ये मूत्र संस्थान के ऊपर काम करती है और या यहाँ के जो भी ऑर्गन्स है इनको ताकत देने का काम करती है। तो इसमें गोक्षूर है या फिर जैसे त्रिफला है, इसमें रसांजन है, धान्यक भी है जो कि मूत्र का काम करता है, तालिश भी है, टमकम भी है, गुगुल है, ये सभी द्रव्यों का मिला जुला इफेक्ट जो होगा तो इस हमारी
मूत्र पुच्छ आदि सभी लक्षणों पर होगा। तीसरा इसका जो बताया है मूत्राश्मरी, अश्मरी में हमें बहुत बार जो जो भी सारे इसके जो कैल्शियम है या अनेक सारे फॉस्फेट्स है, इसका आहार विहार भी कारण होता है, स्ट्रेस फैक्टर भी होता है, या फिर अच्छे से मूत्र शरीर के बाहर नहीं निकलना, ये भी कारण होता है। तो मूत्राश्मरी भी प्रमेह के रोगाधिकार में ही इसका उपयोग बताया है। अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़कर जो हमारा आज का जैसे स्त्री रोगों को लेकर हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि अनेक सारी समस्याएं होती है। जैसे हम लोग हमारे पास कोई भी इनफर्टिलिटी की पेशेंट आती है तो स्त्रियों की ट्रीटमेंट हम करते, तो इसी के साथ पुरुषों की ट्रीटमेंट हम जब करते हैं तो उसमें ये वटिका क्या उपयोग होगा। तो प्रमेह रोगाधिकार में ही उन्होंने ये बताया है, या मतलब जो हम लोग फॉलो करते हैं आयुर्वेद सार संग्रह, इसमें भी बताया है कि खास कर यह जो शुक्र मातृका वटी है वीर्य वाहिनी नाड़ियों पर काम करती है। तो वीर्य वाहिनी नाड़ियों का या फिर इस प्रमेह का क्या संबंध है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूंगी। जैसे देखिए कि जैसे हम डायबिटीज की बात करते हैं तो खासकर डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं, डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2। तो डायबिटीज 2 का जो इफेक्ट बताया है, इसमें ये इफेक्ट बताया है कि डैमेजेस द नर्व एंड ब्लड वेसल्स। तो जैसे हाइपरटेंशन में भी देखते हैं हम लोग, मतलब रेटिनोपैथीज होती है, डायबिटिक्स में भी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर परिणाम होने लगता है। डायबिटीज का मुख्य परिणाम कहे या फिर उसका मतलब एक इफेक्ट कहे या कुछ साइड इफेक्ट भी कहे, लेकिन इनफर्टिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इसका असर देखा गया है। तो ये डायबिटीज 2 में खासकर नर्व डैमेजेस होती है एंड विच कंट्रोल्स द सेक्सुअल स्टिमुलेशन, जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन को कंट्रोल करने वाली जो भी ये ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स है या नाड़ी हुआ संस्थान है वहां पर इसका इफेक्ट होता है और इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत बार अभी हमने देखा लॉकडाउन के समय में भी काफी सारे पॉर्न वीडियोज चलते थे, समय था लोगों के पास, तो कई बार ये भी एक कारण होता है। या फिर कई गलत आदतें होती है, जैसे मैस्टिब्यूरेशन है, या फिर कुछ युवकों में भी इस प्रकार के अलग अलग पॉर्न फिल्म्स देखना है, हस्तमैथुन करना है, स्वप्न दोष भी इसका कारण होता है। तो इन सभी कारणों से अधिक मात्रा में विचार करना, तो इन सभी कारणों से ये वीर्य जो होता है पुरुषों के अंदर जो कि जिसमें जो फ्लूड होता है या जो हमारे गर्भधारणा की क्रिया में वीर्य का स्त्राव होना इम्पोर्टेंट होता है, तो इसमें ये वीर्य पतला बनने शुरू होता है और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी समय पर वीर्य का स्त्राव ना होना, यानी समय से पहले ही हो जाना या समय के पश्चात, तो एक जो समय होता है उस समय पर नहीं हो पाना, ये इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो डायबिटीज 2 में खासकर नर्व्स जो कॉम्प्रेस होती है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होता है और इसीलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत डायबिटीज के पेशेंट्स में धीरे धीरे होने लगती है। और जैसे जुवेनाइल डायबिटीज है या फिर मतलब कई उम्र के मतलब 25-30 साल से ही अगर डायबिटीज हो जाता है और फिर कंसीव के टाइम पे पता चलता है या हम लोग जब काउंट करते हैं तो पता चलता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति के अंदर हो सकती है। तो बिल्कुल ये ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है और इसीलिए अच्छे से समय पर इसका मतलब जो इरेक्शन होना चाहिए, इस प्रकार से इरेक्शन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में ये वात नाड़ी के ऊपर काम करता है, रक्त की मात्रा को भी बढ़ाता है, या इन जो अभी मैंने बताया ना ब्लड सप्लाई नहीं होता है अच्छे से, तो ये नाड़ी व संस्थान पे मज्जा व संस्थान पे काम करने वाला ये कल्प है। और इसीलिए शुक्र ऐसी कंडीशन में डायबिटीज से अगर कोई इस प्रकार की शिकायत लेकर आता है तो ऐसी कंडीशंस में ये शुक्र मातृका वटी जो है हमारी वात नाड़ी संस्थान पर बहुत अच्छे से इफेक्ट करने वाली होती है। इसके कई सारे कारण है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कई सारे कारण है, दुर्बलता है, फिर कुछ हार्मोन्स के वजह से भी ये हो सकता है, सेकेंडरी हिसाब से हो सकता है, जैसे अभी मैंने कितने सारे कारण बताए, इन सभी कारणों से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये होता है। फिर आगे चलकर नपुंसकता होती है, इसमें अप्राकृतिक जो मैथुन की क्रिया होती है, तो ऐसे कई सारे कारणों से जब भी वीर्य पतला बनता है तो इस सभी में हम शुक्र मातृका वटी की एक एक गोली अगर देते हैं और इसके साथ अगर चूड़ामणि रस, काम चूड़ामणि रस को जोड़ देते हैं तो बहुत अच्छे से इसका इफेक्ट होता है, ये मैंने पढ़ा है बिल्कुल। तो दूसरा एक इसका इफेक्ट बताया है कि ये औषधि वीर्य को गाढ़ा करती है, जैसे मैंने अभी बताया कि इसे अलग अप्राकृतिक प्रकार की सोच से
या हस्तमैथुन जैसे शिकायत से वीर्य पतला बन जाता है, और ये वीर्य पतला बनने से भी जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में स्पर्म काउंट नहीं होता है, तो ये औषधि के सेवन से खासकर बताया है कि ये वीर्य को गाढ़ा कर देती है। वीर्य को गाढ़ा कर देना यानी उसके अंदर का स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और जो हमें जितना जैसे स्पर्म का काउंट तो बहुत मतलब मिलियंस में होता है, बट उसमें भी बहुत सारा जैसे हम लोग स्पर्म के एनालिसिस करते हैं तो मोटिलिटी को देखा जाता है या फिर जो कॉन्जुगेशन को देखा जाता है, उसका पतलापन देखा जाता है, एक्टिवनेस देखा जाता है, कई सारे टेस्ट के वहाँ पे रिपोर्ट होते हैं। तो इन सभी कारणों से खासकर अनेक सारे कल्पों का प्रयोग करते हैं, बट जब ये मैंने पढ़ा तो इसमें मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि शुक्र मातृका वटी जो है तो इस प्रकार से भी काम करती है बिल्कुल। इसी के साथ अभी जैसे मैंने बताया था टाइप 2 डायबिटीज में ये ब्लड सप्लाई को कम करती है बिल्कुल। तो यहाँ पर कई बार एनीमिया भी एक कारण होता है जिससे, या दुर्बलता भी कारण होता है, आरबीसी काउंट कम है या हीमोग्लोबिन का स्तर भी कम होता है, तो इन सभी इसमें भी ये शुक्र मातृका वटी जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी अच्छे से काम करती है, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर नाड़ी संस्थान के ऊपर काम करती है। देखिए जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी इफेक्ट करता है, इसीलिए तो स्त्रियों से ज्यादा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जो है इट प्रमोट्स और इट स्टिमुलेट्स द बोन मैरो एंड विच एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ सेल फॉर्मेशन। तो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन की प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है टेस्टोस्टेरोन। वही हमारे स्त्रियों के जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, दे आर हैविंग अ डिप्रेशन एक्शन ऑन बोन मैरो। सो यूजुअली, और ये फिजियोलॉजिकली कारण है कि स्त्रियों में हमेशा से हीमोग्लोबिन या आरबीसी का काउंट जो होता है पुरुषों की तुलना से कम ही होता है बिल्कुल। तो ये तो एक अलग विषय हो जाएगा, बट स्टिल यहाँ पे भी इसका हम लोग सोच सकते हैं। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को भी स्टिमुलेट करेगा, और फिर एक प्रकार से जो मानसिक तनाव का, मानसिक तनाव भी तो कारण होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मानसिक तनाव भी कारण होता है, तो ये मानसिक तनाव कम करने के लिए भी ये काम करता है। मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन भी कम करेगा, क्योंकि बहुत बार ये देखिए जैसे कि वीर्य का स्राव होना ये जो क्रिया है मूत्र मार्ग से ही होती है, तो इसीलिए मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन में, मूत्र मार्ग के विकारों में भी हमेशा देर इज अ क्लोज कनेक्शन ऑफ दिस जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये मतलब प्रमेह है या जो भी वैद्य के हिसाब से इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज ऑलवेज कोरिलेटेड विद ऑल दिस मूत्र मार्ग की वैधिया है, इसमें प्रमेह है, ऐसे अनेक सारी कंडीशन से भी ये जुड़ा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको सविस्तर रूप से चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल। तो इसके साथ जैसे इसमें कज्जली भी है, तो कज्जली वृष्य और उत्तेजक बताई गई है, तो ये वातनाड़ी संस्थान को स्टिम्युलेट कर देगी, और इस प्रकार से स्टिम्युलेट करने के पश्चात ये शुक्र मातृका वटी का उपयोग हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये अच्छे से इस सभी कंडीशंस में, प्रमेह आदि कंडीशंस में, या फिर जो एक प्रकार से ये बताया गया है वेसल्स के ऊपर काम करेगा, और फिर सभी प्रमेह, मूत्रकुच्छ, मूत्राश्मरी या फिर वातनाड़ी संस्थान या वीर्य के विकारों में, इनफर्टिलिटी के केसेस में भी ये अच्छे से काम करेगी। और इसके साथ थोड़ा और मैं ऐड करना ये चाहूंगी, जैसे प्रमेह, मूत्रकुच्छ, मूत्राश्मरी तो बताया है, वातनाड़ी संस्थान भी बताया है, तो और एक दूसरा इसका अनुपान जो बताया है, ये अनुपान बताया है कि बकरी का दूध बताया है। तो बकरी का ही दूध क्यों, जैसे आयुर्वेद में अष्टदुग्ध का वर्णन किया है, तो अष्टदुग्ध वर्णन में अलग अलग, वैसे तो मानुषम पयः श्रेष्ठ बताया, मानुष का ही पय श्रेष्ठ होता है, फिर भी हम लोग इसका बकरी का दूध का खास अनुपान क्यों बताया है, तो इसके बारे में मैंने जब दूध के गुणों को पढ़ा तो उसमें मुझे ये मिला कि बकरी का जो दूध होता है ये यौन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, ये शुक्र धातु को पुष्ट करने वाला होता है, इसीलिए कई कई बार बकरी का दूध खास कर पीने को दिया जाता है, जो जब इनफर्टिलिटी होती है या शुक्र धातु की दुर्बलता होती है, तो ऐसे केसेस में खास कर बकरी का दूध ये पीने को दिया जाता है। तो बिल्कुल, तो इस प्रकार से आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कल पर दूसरा इसका अनुपान बताया है अनारस्वरस। अनारस्वरस को तो ऐसे देखा जाए तो जैसे मैंने अभी बताया अनार या दाड़िम जो है ये ग्राही है, ये पेट के विकारों में बहुत अच्छे से काम करता है, रक्त की मात्रा बढ़ाता है, ये शीत कषाय गुण का होता है, स्तंभन का कार्य करता है, तो और ये स्त्री विकारों में भी गर्भाशय को टोन करता है, इसलिए दाड़िम आदि गुरुत्व का पित्त शमन के लिए बहुत ही अच्छे से
दाड़िम का उपयोग होता है। तो ये दो अनुपान खासकर भेषज रत्नावली ने बताया, मीठा अनार का रस, फिर बकरी का दूध या फिर पानी। तो मुझे लगता है सबसे श्रेष्ठ तो बकरी का दूध ही होगा। बकरी का दूध अवेलेबल नहीं है तो हम लोग मीठा अनारस भी दे सकते हैं, या फिर बाकी तो लास्ट में बचता है पानी बचता है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा कल्प था शुक्र मातृ का वटी, जो स्वप्न दोष में भी काम आता है, सभी सभी जैसे मैंने बहुत ही मतलब एक प्रकार से बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। ये सभी कंडीशंस में, प्रमेह के कंडीशंस में, सेकेंडरी टाइप में कभी भी इस प्रकार की शिकायत लेकर रुग्ण आपके पास आता है तो हम लोग बाकी सभी औषधि दवाइयों के साथ साथ इसको जोड़ सकते हैं इसको। और बाकी जैसे अगर हम अभी मूत्रपुच्छ या प्रमेह में बाकी सारे कल्प तो हम लोग भस्मों का भी प्रयोग करते हैं, बाकी सारे कल्प यूज करते हैं, तो इसमें भी हम लोग इसको जोड़ सकते तो ये अच्छे से काम करेगा। बाकी आप सभी का भी स्वागत है इस सत्र में। नमस्कार मैम, सभी बताइए किसी को कुछ सवाल पूछना है तो हम लोग चर्चा कर रहे। यस डॉक्टर दीप्ति। हाँ मैम, मुझे ये पूछना है कि टाइप 1 डायबिटीज में इसका कैसा रोल होगा, अच्छा वर्क करेगा क्या ये कि कैसे? ये करेगा मैम। देखिए डायबिटीज वैसे खासकर उन्होंने बताया है कि डायबिटीज 2 का ज्यादा इफेक्ट होता है जो, बट डायबिटीज का तो वैसे भी नाड़ी संस्थान के ऊपर तो होगा ही ना, जैसे धीरे धीरे नमनेस वगैरह भी आने लगती है ना, उसके ऊपर भी परिणाम होने लगता है ना पेशेंट्स में, रुग्णों में कई बार हम लोग देखते हैं। तो कारण ही तो वही इसका बताया है, मतलब जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इसका कारण तो वातनाड़ी संस्थान ही बताया है, ब्लड सप्लाई कम होना यही बताया, तो काम करेगा ये, खासकर बताया है बट करेगा ये काम। इनका टाइप 1 वालों का प्रॉब्लम क्या होता है, इनका वेट गेन नहीं होता है, अर्ली एज में डिटेक्ट होता है, वेट नहीं होता है, और इसमें लिखा है कि वात पित्त पे काम करता है, तो यही लक्षण टाइप 1 में दिखते हैं, वात पित्त ही प्रकोप दिखता है इनमें, भूख ज्यादा रहती है, इनका अग्नि ज्यादा रहता है बट वजन नहीं बढ़ता है, और हाँ। मुझे लगता है शुक्र क्षय के सारे लक्षण दिखते हैं इनमें, एनर्जी नहीं रहता है और प्रमेह के पेशेंट में बहुत ही प्रमेह हमेशा, जैसे मैंने थोड़ा बताने का प्रयास किया कि शुक्र धातु से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है प्रमेह व्याधि, क्योंकि शुक्र मतलब दुष्य को पढ़ेंगे तो शुक्र उसमें है, और जैसे देखिए रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसी क्रम से भी विचार करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर भी परिणाम होता है, और इसीलिए मैंने रेफरेंस देना चाहा, खासकर पुरुषों में प्रमेह को बताया है, स्त्रियों में इसको बताया है, प्रदर रोग को बताया है। और एक चीज इन्होंने बोला है कि शुक्र है मतलब क्वांटिटेटिवली शुक्र का वर्धन करती है बट क्वालिटेटिवली भी कर सकती है क्या, क्योंकि अभी मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट बहुत दिखते हैं ना स्पर्म्स में, हेड डिफेक्ट, टेल डिफेक्ट, तो उसमें करेगा क्या ये वर्क? हाँ मैम देखिए ना, इसीलिए तो मैंने बताया कि वीर्य को गाढ़ा बना देती है, तो वीर्य पतला होना यानी देखिए वीर्य यानी एक प्रकार से देखेंगे तो हम लोग इसमें जो सेमिनल फ्लूड या जो ये होता है ना स्पर्म का ये जो होता है ना फ्लूड, दोनों को मिलाकर ये वीर्य बनता है, तो इसमें तो वैसे देखा जाए तो स्पर्म का प्रमाण तो कम ही होता है वैसे देखा जाए तो, हाँ, प्रमाण तो बढ़ाएगा बट नहीं क्वालिटेटिव ना, कभी कभी क्या है ना स्पर्म काउंट अच्छा रहता है 80-90 मिलियन बट उसमें मोटिलिटी नहीं, डिफॉर्मिटी की बात कर रही है, अब डिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, यस यस फिजिक मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटी, मॉर्फोलॉजिकली मुझे तो लगता है कि करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि सभी कंटेंट्स तो वही प्रकार के बताए हैं इसमें, तो करेगा क्योंकि ये आरबीसी काउंट को भी बढ़ा देता है, इसमें अनार है, गुगुली भी है और कज्जली है मैम, देखिए कज्जली वृष उत्तेजक बताई है तो कुछ मात्रा में डिफेक्ट भी काम करेगा बिल्कुल। अदरक है इसलिए अच्छा लगा, सुवर्ण नहीं है तो कॉस्टली भी नहीं होगा ज्यादा, नहीं है कॉस्टली नहीं है ये, इसके कंटेंट्स अच्छे है काफी, आप जहां पर भी क्लेद शिथिलता होगी ना मैम, क्लेद शिथिलता होगी ना, धातु शैथिल्य ना केवल प्रमेह में, धातु शैथिल्य तो कितने सारे व्याधियों में होगा, मुझे लगता है मेदो मेदो रोग में भी काम करेगी, क्योंकि मेदो रोग में भी बाद में कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू होते हैं ना ऐसे ही कुछ इनफर्टिलिटी बढ़ने के, तो इसमें भी काम करेगी क्योंकि ये खासकर धातु के ऊपर ही काम कर रहे हैं, सभी देखिए अदरक है इसमें और इसी के साथ इसमें अनार वगैरह भी मिलाया है, अनार दाड़िम जो कि खासकर रक्तानुओं को भी बढ़ा देगा, मतलब हमारा दुगना इसमें फायदा होगा, रसायन भी कार्य करेगा, धातु की शिथिलता भी कम करेगा और रसायन भी काम करेगा। नमस्कार हिमांशु सर, बताइए बहुत दिनों के बाद। मैम प्रणाम, दीप्ति मैम प्रणाम, वंदना मैम प्रणाम, कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद देखे, पीएचडी में मैम बहुत अच्छा योग बताए, अच्छा मैम प्री मैच्योर इजैकुलेशन में विशेष तौर पे इफेक्ट रिजल्ट मिले हैं, और जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम रहती है नॉक्सर ड्रीम्स और नाइट फॉल,
उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और इसमें जो ज्यादातर द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, धीमे द्रव्य ज्यादा है, दाढ़ी भी है, ब्रश भी है, उसको तो हर एक देव पता चल गया ना, इनकी दोनों की पट्टी नहीं है। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण अगर ईडी की प्रॉब्लम है तो इसमें इसके अच्छे रिजल्ट हैं। क्योंकि सर ये हमेशा से मतलब मूत्र मार्ग की सभी व्याधियों में भी हम लोग दे सकते हैं, आगे चलकर यही सभी कारण के लिए ही प्रोस्टेट डिटेक्ट किया जाता है ना, इन सभी कारणों से, छोटे छोटे कारणों से ही आगे चलकर। इसमें एक कंटेंट है मैडम टंकण, उसका क्या रोल है यहाँ पे? क्या मैम? टंकण जो दिया है, टंकण वर्क करेगा यहाँ पे? यस, टंकण टंकण भस्म का क्या रोल है यहाँ पे? क्लेद कम करना इतना ही है, मेद शोषण क्लेद को कम करना। और मुझे लगता है कि टंकण जो है ना, जो स्रोत सोम में या वातनाड़ी संस्थान में जो भी सारा ये क्लेद जमा होता है ना, उसको भी शोषित करने का काम करता है टंकण, क्योंकि शोषण करने का काम करता है ना। हाँ, क्लेद शोषण करता है। हाँ, क्योंकि हम लोग टंकण का उपयोग तो कफ के शोषण के लिए, कफ के सारे कल्पों में भी करते हैं ना, कास श्वास के। टंकण भस्म बहुत मात्रा में मद के साथ उपयोग में लाते हैं ना, तो ये भी तो मतलब वही काम करेगा, क्योंकि तो बढ़ेगा। हाँ, तो और अच्छे से काम करेगा ये उल्टा, मतलब इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि कृष प्रमेह में देना चाहिए। दीजिए मैम, दीजिए, कुछ नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये तो लोह भी है इसमें मैम, लोह भी है, लोह भी है, और ये बल वर्ण जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला बताया, ज्वर भी बताया, ज्वर के इसमें भी बहुत बार, मतलब जो क्या बोलते हैं हम लोग मराठी में, अस्थिगत ज्वर या हाड़ीताप बोलते हैं ना, मतलब बहुत धातुगत ज्वर, धातुगत ज्वर, तो इसमें भी दे सकते हैं ना, सभी कंटेंट्स तो अच्छे ही है इसमें। ये भी देखा, इसमें तालिश भी है, तालिश पत्र भी चूरना है। बिल्कुल, मैं ट्राई करूंगी, मेरे पास है एक जुवेनाइल डायबिटीज का जस्ट आया है, तो उसमें मैं जरूर ट्राई करूंगी। मैंने प्रमाण में क्या देंगे इसमें आप, किस चीज के लिए यूज करेंगे आप, साथ में क्या देंगे कल्प? साथ में वसंत कल्प से मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, वसंत कुसुमा कर दिया है उसको, उसका मतलब इतना क्षीण है, बल क्षीण है, और इतना हाई डोज इंसुलिन चाली है बट नो रिजल्ट्स, तो मतलब उसको इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है, और ओरल टैबलेट तो काम ही नहीं करेगी, तो उसमें हमें बस अग्नि पे काम करना है, धातु अग्नि पे काम करना है, इसीलिए मैंने वसंत कल्प स्टार्ट किए। और घृतपान बोला है कि उसका अग्नि तीक्ष्ण था, और शुक्र का क्षय लगा मुझे उनका, वो खाता है फिर भी उसको कुछ दिखता नहीं है, और थोड़ा सा लेट होता है खाने में, तुरंत शिवरिंग, एंजाइटी, पैनिक ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए मुझे है कि उसको बस बल देना है, बल नहीं देना है, ऐसा मुझे लगा। क्यों मैंने आप जो लक्षण बता रहे हैं ना, अंध, चक्कर आना, ये देखिए शुक्र का ही तो आगे चलना परिणाम ओज के ऊपर भी होगा, क्योंकि शुक्र धातु के मल या उपधातु के रूप में ही ओज बताया है, तो ये बराबर ओजक्षय, ओजक्षय का आया है वहाँ, बिल्कुल विभेतु दुर्बलोक विक्षणम छायते विकितेन्द्रिय, ये सभी लक्षण जो है ना, फिर धीरे धीरे हम लोग इस पेशेंट में, नपुसंतक के पेशेंट में भी तो ओजक्षय धीरे धीरे डेवलप होता है, डरना, चिंता आदि करना, धातु मतलब दुर्बलता आ जाना है, वही मुझे लग रहा है कि कृष प्रमेह में हमें उसका बल बढ़ाने वाले शुक्रवर्धक, ओजोवर्धक ऐसी ही दवाइयां देनी चाहिए, कि ना कि जो हम टाइप टू में देते हैं ना, रुक्ष ब्लड ग्लूकोज कम करने के लिए जो बाकी देते हैं, वो मैं नहीं दे रही हूँ ज्यादा ये बल शुक्रवर्धक ऐसे ही दे रही हूँ, जैसे वसंत कुसुमाकर है ओजोवर्धक काम करता है, और रक्त पाचक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, अग्नि तीक्ष्ण था और पित्त दिखता था, मुझे लगता है ना एक 21 डेज का कोर्स चलाकर देखिए कैसे रिजल्ट आता है और बताइए। हाँ, मैं उसको बुलाया है रिपोर्ट अभी, मैं वही तो शुक्र मातृ का मैं डेफिनेटली दे के और फीडबैक भी दूंगी आप लोगों को। बिल्कुल, देखिए मैम, कृष्ण डेली डायबिटीज में शुक्र मातृ का हमने ग्रिड के अनुपान से ही दिया है, तो अच्छा रहा है। और अनार का सेवन, और क्या हुआ ना, सब एलोपैथी लोगों ने उनको राइस मना किया है, हर फ्रूट मना किया है, तो डाइट जा रहा है, तो मैंने बोला फ्रूट्स तो खा सकते हैं बिंदास, फिर खाएगा क्या ना, थोड़ा मंड वगैरह भी दीजिए ना मैम, लाजा मंड वगैरह दीजिए, सातु का दीजिए, थोड़ा धातु का बल बढ़ेगा। हाँ हाँ हाँ, लाजा मंड, यस, और फ्रूट्स तो मैंने बिंदास बोला है, बनाना मत, नाचनी भी दे सकते हैं, मैंने तो कुछ सी इतना बल कम है ना, मैंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं किया उसका, वो शुगर खाए या ना खाए वो ज्यादा ही आने वाला है, बट उन्होंने पूरा मीठा बंद किया है, राइस बंद किया है, फ्रूट्स बंद किया है, तो ना सब वृक्षाहार जा रहा है। नाचनी भी शुगर लेवल को कम करती है, मतलब वो अच्छी है, संतर्पण भी करती है। नाचनी, ज्वारी, राजगिरा, ये मैंने बताया है।
हेलो। हाँ यस, मैं जैसे आज आपने जो टॉपिक बताया है वो आपने काफी अच्छे विस्तृत रूप से डिस्कशन किया है, तो मेरे भी काफी इससे संबंधित पेशेंट आते हैं। तीनों टाइप के भी होते हैं, जिसमें जैसे अगर शादी से पूर्व है तो स्वप्न दोष वगैरह की वजह से उनके दिक्कत रहती है, और शादी के बाद में जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और तीसरी स्टेज हो गई कि शुगर होने के बाद में जो 40 या 45 साल से ऊपर वाले जो ज्यादातर पेशेंट होते हैं उनमें शुगर होने से उनके ये जो सेक्स संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उनमें तीनों में अलग अलग मेडिसिन मैं देता हूँ। कईयों में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, जैसे कॉमन जैसे ये शीघ्र पतन वगैरह की शिकायत रहती है, तो उसमें ये कृष्ण गोपाल कालेडा बनाती है एक वीर स्तंभन वट्टी। अच्छा। उसमें कस्तूरी केसर जायफल ऐसे योगिक द्रव्यों से। सर दूसरा एक में दीप्ति, हमने उस दिन सुपारी पाक को भी देखा था, देखिए मैं भी काम करने वाली हूँ, मैंने दिया भी और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सुपारी पाक। अच्छा रिजल्ट मिला प्री मैच्योर इजैकुलेशन में, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हाँ, हाँ, आप दे सकते हैं सुपारी पाक भी, अच्छा रिजल्ट है इसमें। खजूर वटी भी ट्राई कीजिए, खजूर वटी भी बहुत अच्छे काम कर। हालांकि मेनली सुपारी पाक तो ये जितने भी स्त्री रोगों के लिए है, क्योंकि उनके ऊपर जो आप कंपनियों के देते हैं तो उसमें हालांकि ज्यादातर महिलाओं के पिक्चर वगैरह फोटो होते हैं, तो फिर नहीं सर, नहीं, सुपारी पाक दोनों के लिए है। नहीं नहीं, जेंट्स के फोटो नहीं होते ना उसमें, इसलिए थोड़ा सा वो रहता है ना कि लोग जो असमझ होते हैं ना वो लेने में, उसकी बजाय आप कौच पाक दे सकते हो, या तो सुपारी पाक आप है ना सिंपल प्लेन डब्बे में दो ना, क्योंकि उसके ऊपर महिलाओं के चित्र होते हैं, जो सुपारी पाक विशेष रूप से महिलाओं के लिए। मैं बताऊं क्या मैंने कैसे सेलेक्ट किया, एक्चुअली पेशेंट का हेतु क्या था, ग्रहणी से ग्रथित था वो, उसको ग्रहणी थी, पित्तज ग्रहणी जैसी थी, तो ना ऑलरेडी द्रवगुण बड़ा हुआ था, तो इसके लिए ना सीमेन का भी मतलब शुक्र का भी द्रवगुण ही बड़ा हुआ है ना, तो सुपारी में कषाय रस है ना, तो ये काम करता है, निश्चित रूप से काम करता है। लेकिन आप पेशेंट को दोगे ये लिख के दोगे ना, तो उसपे महिलाओं के फोटो होते हैं सर, वो सुपारी पाक ना केवल इन सभी पे बट जो भी जैसे उपदंश गोनोरिया या जो एसटीडी डिसीजेस है ना उस पे भी काम करेगा, क्योंकि सुपारी कषाय हेवरण का रोपण करती है और इसमें काफी सारे अलग कंटेंट्स भी है। मैं ये कह रहा हूँ ना करता काम है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां क्या करती है जो सुपारी पाक बनाती है ना उसमें महिलाओं के फोटो होते हैं, वो तो मार्केटिंग का स्टाइल होता है, मार्केटिंग का। तो उसमें फिर क्या है कि पेशेंट थोड़ा हिचकता है कि ये महिलाओं का ये प्रोडक्ट हमें क्यों दिया, तो इसलिए हालांकि आप दे सकते हो ये रैपर या बिना रैपर का जिसमें फोटो नहीं हो वो दे सकते हो। कौंच पाक का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसी प्रकार और भी कई जैसे जैसे शिला प्रवंग का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है ये शुगर डायबिटिक के पेशेंट में, इसी प्रकार चंद्र प्रभावट्टी है। हाँ, ये आपके झंडू का बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि शुगर को भी कम करता है ये, प्लस जो मसल्स वगैरह मजबूत करता है उसमें शिलाजीत वगैरह होते हैं तो ये सहयोगी है। इसी प्रकार वीर्य में अगर जैसे शुक्राणुओं की कमी है तो उसमें बंगशील टेबलेट है, सतावरी आदि है, चूर्ण है जिसमें कई ये सुगंधा सतावरी वराई। सर मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स आते हैं ना स्पर्म में, उसमें आप क्या यूज करते हो? हेलो, मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स आते हैं ना, हेड डिफेक्ट वगैरह? हाँ नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं हमारे तो, ये अभी यूं समझ लो काफी पेशेंट आते हैं इससे संबंधित, तो मैंने कहा एक बार थोड़ा सा अगला कल्प वो मैं मॉर्फोलॉजी के ऊपर थोड़ा पढ़ाई करके मैं अगला कल्प वही लूंगी, मॉर्फोलॉजिकल कुछ मिलता है क्या वो भी खास कर कुछ देखती हूँ मैं भी, क्योंकि आयुर्वेद में ना ऐसा अलग अलग नहीं बताया है कि क्वांटिटेटिवली अलग नहीं बताया है। एग्जैक्टली एक मैडम इसमें ये श्री गोपाल तेल ये बैद्यनाथ कंपनी बनाती है, कामदेव ग्रुत है, देखिए मैम कामदेव ग्रुत है वो भी अलग से काम करेगा। ये इसमें केसर कस्तूरी से बना हुआ श्री गोपाल में ज्योतिषमती तेल और अश्वगंधा तेल तीनों को मिक्स कर लीजिए तो और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत अच्छा काम करता है, अभी जैसे जिक्र किया था। ज्योतिषमती सर क्या इक्वल इक्वल मिक्स करना है कि कैसे? नहीं आपने आप में सुनो मेरी, हेलो, ये श्री गोपाल तेल के मैं ग्रेडियंट इनग्रेडियंट बताता हूँ, इसमें अश्वगंधा चोर पुष्पी बदमा कटेरी खटेरी अगर नगर मोता शिलारस अगर सफेद चंदन लाल चंदन हर्ड बैडा आंवला मूरवा तूल जीवक ऋषभ काकोली क्षीर काकोली मेदा मामेदा मुग्ध पर्णी मांस पर्णी जीवंती मुलेठी सौंठ काली मिर्च पीपली के साथ में केसर कस्तूरी गुलाब जल
और विशेष रूप से सत्तावर पेठा और आंवले का स्वरस, और ये सारे है ना इन्होंने ये करके, ये मूरवा का मूल, केवड़े का मूल, मतलब तो बहुत सारी चीजें इसमें डलती है, तो कुछ अलग से ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैम एक वैसा यूनानी फॉर्मूला हमने मींस एक डॉक्टर के पास से लाए थे, तो उसमें मैंने देखा था उन्होंने शीत स्तंभक द्रव्य यूज किया था, तो उसमें गोंद कटीरा और छुई मूंग के बीज, ये दो चीजें, तो उसके पीछे मुझे लॉजिक, गोंद कटीरा, अच्छा गोंद कटीरा और छुई मूंग का बीज, क्योंकि हम लोग जो भी स्तंभक द्रव्य यूज कर रहे हैं वो जायफल है, केसर है, जावित्री, ये सारे उष्ण गुणात्मक है अगर हम लोग देखें तो, लेकिन उन लोगों में शीत गुणात्मक ये लोग डालते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक यही लगे क्योंकि ये लोग उष्ण गुणात्मक, उष्ण गुणात्मक चीजें, नॉनवेज ये सबका सेवन ज्यादा करते हैं ना, तो ये लोग स्तंभन द्रव्य शीत गुणात्मक यूज करते हैं, तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा उच्च गुण है पित्त अवस्था है तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ सर, गोंद कटीरी मतलब क्या सर? गोंद कटीरा भी एक द्रव्य होता है और छुई मुई का बीज, ये दो कंटेंट हमने देखे मतलब लोग यूज करते हैं। ये इंडियन मेडिसिनल हर्ब में नहीं आता होगा, यूनानी में आता है। यूनानी में होगा सर वो, नहीं हमारे सर और एक आश्चर्य की बात की आयुर्वेद सार संग्रह में भी कुछ यूनानी जो कल्प है ना, एक्चुअली जो सुपारी पाक जो है ना वो भी एक्चुअली वही से आया है, उनका ही है, बट हम लोग हमारी संहिताओं में भी बताया है। मैम इरेक्टोजेनिक हर्फ में, इरेक्टोजेनिक हर्फ में अगर हमने सबसे अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं तो वो देखे हैं मकर ध्वज बटी के, और जो स्पेशल आता है स्वर्ण वाला उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन मकर ध्वज के, और एक चीज दीप्ति मैम ने भी एक बार बोली थी उसका भी मैंने रिजल्ट देखा है, रस संदूर और रस सिंदूर और कुचला के कॉम्बिनेशन का बहुत जबरदस्त काम करता है, कुचला भी बहुत अच्छे से काम करती है ये, कुचला भी और शिला जतु भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो हमने कई बार कुछ रस सिंदूर और कुचला नहीं मिला ऐसे कहाँ से ले, तो हमने नवजीवन रस मिक्स कर दिया है फिर, और नवजीवन रस में भी रस सिंदूर है, कुचला है, और अभ्रक वश में, लौ वश में, तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिले इनके इरेक्टोजेनिक में। यस यस मैम। और ना मैंने मैम सुपारी पाक का एक यूटेराइन प्रोलैप्स की थी, फर्स्ट या सेकंड डिग्री होगा वो, बस चलते टाइम उसका बाहर आता था और उसको ना व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, तो उसमें भी मिला के मैंने, तो दोनों पे मुझे फिर फायदा मिल गया, व्हाइट डिस्चार्ज में भी और थोड़ा सा प्रोलैप्स में। अच्छा, तो वहाँ पे मुझे स्तंभन करना है ऐसा, व्हाइट डिस्चार्ज है, ग्रहणी है, वहाँ पे मैं ब्लाइंडली यूज कर रही हूँ। प्रोलैप्स में मूषक तेल का प्रयोग करती है क्या? लोकल एप्लीकेशन के लिए और ओरली चांगेरी ग्रुत खाने के लिए, उसको चांगेरी ग्रुत का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मूषक तेल नहीं मिला तो चांगेरी ग्रुत ही लोकल पीचू के लिए दे देते हैं, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा। काशी शादी भी यूज कर सकते हैं ना, काशी शादी तेल। हाँ, पर काशी शादी मुझे क्या लगा, जो एक थर्ड या थर्ड डिग्री प्रोलैप्स थी उसमें क्या हुआ था, बहुत पुराना था उसका, 5 साल से उसने बहुत निग्लेक्ट किया, तो उसके इतना ड्राई हो गया था वो सर्विक्स और उसके ऊपर का सब दिख रहा था, पूरा ड्राई हो गया था, और सर्विक्स पे ना फिर थोड़े थोड़े से ये वुंड होने लगे थे, क्रैक्स और थोड़ा सा ब्लड दिखा, तो इसलिए मैंने फिर कासिस में यूज किया, घृत यूज किया। अच्छा, इसमें आप वृद्धिवादी का वटी भी प्रयोग कर ले सकते हैं, वृद्धिवादी का और ये, हाँ वृद्धिवादी का वटी। अंजू बताइए क्या पूछना है। हाँ, प्रोलैप्स में तो काम करेगी वृद्धिवादी। हाँ, और सुपारी पाक भी दे रही हूँ। अच्छा, बताइए अंजू। हाँ मैम, अभी मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट की बात हो रही थी ना स्पर्म पे, वहाँ पे वैद्य राकेश ठक्कर जी ने बताया हुआ इसमें जीवनीय गंध सिद्ध क्षीर देने का। कौन सा? मैंने दिया तो नहीं है, जीवनीय गंध सिद्ध क्षीर। मैम प्रॉब्लम क्या है, जीवनीय गण के सारे द्रव्य मिलते ही नहीं, मिलते नहीं है। हाँ, और शुक्र शोधन के भी मैंने देखा, वो भी सारे द्रव्य मिलते नहीं है, एक दूसरा मिलता है, तो वो भी जीवंती मिल रहा है। मैंने प्लेन जीवंती स्टार्ट किया है, बस्ती में भी दिया है, ओरली भी दिया है, तो अभी मैं उसका भी बताऊंगी, बहुत अच्छी केस है, एक मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है, काउंट्स भी कम है, मोटिलिटी भी नहीं है, सब प्रॉब्लम्स है, और ये ग्रहणी वाला था पेशेंट, ग्रहणी से उसका मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी था, फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हुआ, रिपोर्ट देख के उनको स्ट्रेस आया, वाइफ का AMH पूरा लो है, तो उनको फिर क्या IVF ही बोला था, और एज है खाली 28, वाइफ की 30, हस्बैंड की,
इतने कम एज में ये सब प्रॉब्लम्स, और आईवीएफ बताया तो वो बहुत स्ट्रेस में आ गए, तो उनको मानसिक एक मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है मैम, कब एज कम होते भी हुए भी बहुत, और डॉक्टर्स ने ऐसा उनको डरा दिया इतना कि कुछ होप्स नहीं दिया ने, पूरा अच्छा। उनको नेगेटिव बना दिया था, तो वो बहुत ये हो गए थे, तो स्टेप बाय स्टेप चालू है उनका, इसलिए मैं ज्यादा पूछ रही हूँ कि मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट में और क्या कर सकते हैं। यस, मैं और कुछ ढूंढती हूँ, मैं बताती हूँ एक दो दिन में और कुछ ढूंढती हूँ। अच्छा, क्योंकि ऐसे स्पेसिफिक ड्रग्स मुझे भी नहीं पता, सारे शुक्रवर्धक थे वो सब काम करते हैं, मैं भी हमारे शास्त्र में इस प्रकार से वर्णन नहीं किया है ना, हमें इसको ढूंढना पड़ेगा अभ्यास करके, बात दोष के ऊपर ही काम किया है, इसलिए मैं बस्ती में से दे रही हूँ सारे ड्रग्स, घृत वगैरह सब सब दे रही हूँ, अपत्यकर घृत एक मुझे मिला अच्छा, वो मैं दे रही हूँ मात्रा बस्ती उसको, फिर मैंने पित्त क्षीर बस्ती भी दिया, उसमें मैंने क्रौंच डाला है, गुड़ुची क्रौंच चिरायता, इसका दूध सिद्ध करके उसमें क्षीर वाला तेल डालने का थोड़ा सा, और अपत्यकर घृत ऐसा चालू है एक महीने से, तो बाकी चीजों में तो काफी रिजल्ट है, बस अभी रिपोर्ट क्रॉस चेक नहीं हुए, मैंने बोला कि 3 मंथ्स वेट करेंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा दिखेगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो मुझे लगता है आज की हमारी चर्चा हो गई अच्छे से। जितने भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आते हैं तो मतलब पेशेंट को पहले शोधन कराने से भी फर्क पड़ता है। शोधन किया मैम मैंने, प्रॉपर मैंने विरेचन पसंद मिलेंगे मैम। Yes, वाला था ना, तो मैंने उसको विरेचन ही करवा दिया, वाइफ को उसको दोनों को विरेचन रक्तमोक्षण हुआ है, और अभी शुद्ध है, तो मैंने अभी डायरेक्ट मात्रा बस स्टार्ट की है सब ब्रूहन वगैरह। हेलो, हाँ बताइए सर। मैं ये कह रहा था शीघ्र पतन में वीर स्तंभन वटी जो कृष्ण गोपाल कालेड़ा की आती है, उसमें ये केसर कस्तूरी ये जायफल ऐसी कई चीजें हैं, तो काफी वो मतलब टाइम पीरियड बढ़ाती है, उसमें मलाई के साथ में 2 से 3 गोली मतलब लेते हैं, तो इसके हम तो बहुत सारे पेशेंटों को देखकर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, प्लस अगर वीर में पतलापन है तो उसके लिए सतावर आदि चूर्ण और इस तरह के जो है जिनमें उनमें गाढ़ापन मिलेगा, ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमने तो बहुत से पेशेंटों को ये मतलब रेगुलर चलते रहते हैं पेशेंटों के। और शिला प्रवंग है ना, जो शिला प्रवंग टेबलेट दूध पापेश्वर कंपनी की, हाँ शिला प्रवंग, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, मतलब यूनिवर्स जितने भी संबंधित सारे फैक्टर है ना, तो ये तीनों चीज आप अलग अलग हिसाब से दे सकते हो, जैसे वीर्य बढ़ाने के लिए सतावरी आदि चूर्ण दूध के साथ में अश्वगंधा आदि लेह भी दे सकते हो, प्लस शिला प्रवंग एक एक टैबलेट सुबह शाम दे सकते हो, और ये वीर स्तंभन वट्टी इसको टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए, तो एकदम इसका 7 से 10 दिनों के अंदर एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलता है मैडम इसमें। तो जो ओबेस पेशेंट होते हैं ना सर, मतलब मेरा पेशेंट ओबेस था, शुक्र तो सारे प्रॉब्लमेटिक थे, बट ग्रहणी था ना तो वो बहुत ओबेस थे, तो उनमें फिर ये शतावरी विदारी कितने दिन कंटिन्यू करना चाहिए, उससे कहीं उसका वजन ना बढ़ जाए, अभी तो उसका कम कम ही हो रहा है। नहीं, अगर आप अगर लॉन्ग टर्म है ना, तो उसको वजन कम करने के लिए आरोग्य वर्तनी पुनर्नवा मंडूर मेतोहर कुकल चंद्र प्रभा वट्टीस और शंख भस्म और पंचकोल इनका मिक्स करके पुड़िया बनाओ, और उनको बोलो 10 से 15 दिन एक बार ये लो, उससे वजन में काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि ये स्रोतो शोधन भी करते हैं सारी चीजें, हाँ। आरोग्य वर्तनी से हाँ। लेके पुनर्नवा मंडूर सारी चीजें क्या है, वजन कम करने में बहुत काम करते हैं, धातु की शिथिलता कम करते हैं ना आरोग्य वर्धनी, बहुत अच्छे से मूत्र व हाँ, इसमें साथ में चंद्र प्रभा टीवी भी मिला रहे हो ना, तो ये मूत्र कंटिन्यू है सर, वो तो मैं 2 महीना 2.5 महीना रखूंगी, दोनों पे काम। नहीं, अगर वजन ज्यादा है और ये फैटी पेशेंट है ना, तो उसको सबसे पहले यही काम करो, उनको 15 दिन या 1 महीने का ये कोर्स बना के दो, बाकी शुक्र वाली वजन उसका क्या है, उसने गलत तरीके से डाइट किया था वेट लॉस के लिए, तो उसकी वजह से उसके शुक्र पे अफेक्ट हुआ है, नींबू खाना ये वो, दिन भर नहीं खाना रात में खाना ऐसा वो कर रहा था, वजन उससे 3-4 किलो कम हो गया, बट ये पूरे सीमेन के रिपोर्ट्स खराब है ये, फिर मैंने उनको समझाया, फिर मैंने उनका अग्नि वगैरह अच्छा किया, मैंने बोला ना ग्रहणी अच्छा किया, फिर वो सब खाने लगे, पर उनका वजन कम कम हो रहा है, सिर्फ अग्नि अच्छा करने से ये फायदा हो रहा है कि अभी पहले से ज्यादा खाना खा रहा है, बट डाइजेशन अच्छा हुआ है, इसलिए उनका वजन कम कम ही होते जा रहा है, अभी तक तो बड़ा था। मैडम एक बात आपको बताऊं, जितने भी जो रिच पर्सन होते हैं ना, रिच पर्सन या जो वर्तमान का जो युग है ना, इसमें आप है ना ये जो खाने पीने की जो चीजें है ना, कुछ दिन कम कर सकते हो, रेगुलर काफी दिनों तक खाने पीने में जो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप बड़ी अच्छी बात बताई सर आपने, ये बड़ी अच्छी क्योंकि जो ज्यादातर आपके घर में जो खाना बनता है ना, वो ही रेगुलर रह सकता है, उसके लिए आपको मेडिसिन दे सकते हो,
बस ये काम कर सकते हो आप, एक एज ए मैंने डॉक्टर। बोला कि खाना नहीं छोड़ सकते ज्यादा दिन, इस क्या खाना है क्या नहीं खाना वो बता दिया, उल्टा भी खाना खा रहे पहले से ज्यादा बट वजन वो कम भी नहीं थोड़े हो दिन के लिए करेंगे मैम वो तो। हाँ थोड़े दिन आपके कहने से कर लेंगे, लेकिन वो चुपके से खा लेंगे या मौका नहीं मिलते ही खा लेते मैंने हैं। मैंने उनको खाने को बोला है, खाना खाइए बोला है, पहले वो नहीं खाते थे फुल डे, इससे उनका पित्त बढ़ गया, ग्रहणी हो गई उनको, और फिर ये प्री मैच्योर इजाकुलेशन और मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स आ गए, ये हेतु है। वो खाना नहीं खा रहे थे, डाइट कर रहे थे अपने मन से, तो हाँ मैंने सही है उनको बिल्कुल। अग्नि अच्छा किया, विरेचन किया क्लासिकल, और मैंने खाने को बोला सब खाइए, पूरा खाने को बोला मैं, और इतना खाते भी उनका वजन कम हो रहा है, ये मैं बोल रही हूँ। अच्छा अभी स्ट्रेस खाना फैक्टर खाए को वो रिड्यूस कॉम कीजिए स्ट्रेस। मैम डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। यस हेलो, मैडम मैं एक उनको बात खाने तो, और के आप लिए, हेलो ये है कि ये। कॉक्स की हिस्ट्री देखा है कि आपने, ग्रहणी ठीक नहीं चल रही है, एब्डोमिनल कॉक्स भी होता है कभी कभी, वजन नहीं बढ़ता है। हाँ हो सकता है। अरे वो ओबेस पेशेंट है, उसका वजन कम करना है जो हो रहा है अच्छे से, ये मैं नहीं बोल रही मैडम हूँ। एक अच्छा कौन एक बात जल्दी आपको एकदम एकदम इतने अनुभव से मैं आपको बता दूं, डाइटिशियन से जो डाइट फॉलो है और एक आयुर्वेद चिकित्सक का ट्रीटमेंट प्लस डाइट बताना वो काफी हेल्दी है। वो जो डाइटिशियन बताते हैं वो केवल डाइट मेंटेन करके वजन कम कर सकते हैं। कोई जैसे आप ये बता रहे हो, अगर कोई प्रमेह या सेक्स संबंधी कोई भी इनके अगर प्रॉब्लम है, उनको डाइटिशियन क्लियर नहीं कर पाते, केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक ही चारों तरफ से ये बिल्कुल उनको सही बोला सर बना के। आपने, हाँ बट डाइटिशियन से जो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं ना वो इतने प्रॉब्लम में आ रहे हैं, मैंने हर पेशेंट को देखा है जो डाइट फॉलो कर रहा है उनका, भले ही 4-5 किलो वजन कम हो रहा है लेकिन उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। ये भी ऐसा था, बाकी डाइट फॉलो की करने के प्रॉब्लम्स बाद आती है, हेयर तो फॉल, मैंने ये मैंने बोला था जिम्मेदारी ना आयुर्वेद चिकित्सक की ज्यादा है मैडम। कि जो डाइटिशियन से बिल्कुल डाइट कर रहे हैं फॉलो, उनको फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है, ग्रेइंग हेयर्स की आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, 4-5 किलो वजन होता है बट बाकी के बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। डाइटिशियन से डाइट करने के बाद उल्टा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, थोड़ा सा वजन कम होता है क्योंकि इतना रुक्ष आहार सजेस्ट करते हैं ना वो, इसकी वजह से ये हो रहा है। हाँ हम आते सही हैं है फिर, उनके। और प्रोटीन पे ज्यादा भरोसा ये करते हैं ना, प्रोटीन हाँ, कम आ और रहा होता घी है, वगैरह कार्बोहाइड्रेट पूरा फ्री बंद कर। कर देते हैं, ब्राउन ब्रेड वगैरह बोल रहे हैं पूरा, इसीलिए ये सब हो रहा है। मैडम उनके केवल मात्र कैलोरी चार्ट बना के करते हैं वो, बिल्कुल यस यस आयुर्वेद वाले चिकित्सक है ना, सारा उनका रहन सहन खान पान हाँ वहाँ की जो